जो इवेंट था वो जनौषधि परियोजना को लोगों में फेमस करना उससे मद्देनज़र था। साथ में जो भारत के जो पहले प्रधानमंत्री जिनकी हमारी नेशनल यूनिटी में इंटीग्रेशन में काफ़ी अहम भूमिका रही है, उनकी जो जन्म तिथि है 31 अक्टूबर को आ रही है, उसी के मद्देनज़र आज का ये फंक्शन हुआ। मैडम रिफत जी मेरे साथ है, आने वाले दिनों में इनका प्रयास रहेगा कि इन जनौषधि केंद्र की जो संख्या 120 उसको कम से कम जो है दुगना करें। जी शुक्रिया सर। अभी स्कूल्स के रिगार्डिंग कोई डिसीजन लिया गया कि कब तक खोलेंगे? हाँ नहीं, स्कूल्स रिगार्डिंग जो है वो अबव 18 का 100% वैक्सीनेशन के साथ जो है चल रहा है। नीचे वाले स्कूल्स जहाँ जहाँ पॉसिबल है वहाँ वहाँ ऑनलाइन चल रहे हैं, अदरवाइज जो है जो एग्ज़ाम्स आते हैं नॉर्मली दिसंबर में उससे पहले जो है कोई डिसीजंस हो जाएगा। कोविड को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं अभी चल रही हैं, क्योंकि दूसरे देशों में हम देख रहे हैं नहीं, कोविड की थर्ड वेव जो है काफ़ी कंट्रीज़ में पहले भी आ चुकी है, इवन हमारे यहाँ भी जो है केरला महाराष्ट्र में भी जो है इसकी काफ़ी संख्या बढ़ गई थी। जम्मू कश्मीर में एक अच्छी बात हो गई है कि हमने अबव 18 100% फर्स्ट डोज दे दिया है, और आने वाले जो है 3 या 4 हफ्ते के अंदर अंदर सेकंड डोज भी काफ़ी पैमाने पर हम लोगों को दे चुके होंगे। डोज जो है कोविड का टीका जो है भले ही कोविड को रोक नहीं सकता है लेकिन उसका इफ़ेक्ट जो है कम करने में आसानी हो जाती है, हॉस्पिटल एडमिशन्स की संख्या कम हो जाती है, हमारी प्रिपरेशंस मुकम्मल है, चाहे मैन पावर की है, इक्विपमेंट की है, ऑक्सीजन प्लांट्स की है, काफ़ी बड़े पैमाने पर हमने तैयारी की है। लेकिन तो भी जो है तैयारी के बावजूद मैं आम आवाम को ये आपके ज़रिए से अपील करना चाहूँगा कि कोविड को अगर हराना है तो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन ही अकेली कारगर नहीं साबित होगी, एडमिनिस्ट्रेशन के पास उतनी ताकत नहीं है। बड़े बड़े मुल्क को हमने देखा है कि कोविड के सामने घुटने टेकते हुए, तो आप सबका ताउन उसमें ज़रूरी है। हम सब कैसे ताउन दे सकते हैं, सहकार्य कर सकते हैं, तो वह जस्ट हम हमारे मुंह पर मास्क पहन करके दे सकते हैं, जैसे हमारा यूनिफॉर्म्स है कॉस्ट्यूम्स है उसी का पार्ट जो है हमने मास्क को बनाने की ज़रूरत है, कभी भी उसको नहीं निकालेंगे तो डेफिनेटली जो है हम कोविड को हरा सके। शुक्रिया। थैंक यू। ऐसे लोगों के लिए इस स्कीम में उनके लिए मामला आसान किया है, उनकी सेहत को बेहतर बनाने के लिए इस स्कीम का बहुत अहम रोल है। स्टाफ एंड अबव ऑल द यूथ, जो हमारा फेस है यूथ, क्योंकि हम आज यूनिटी डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, सो आई वेलकम द यूथ। मिसाल के तौर पर बताना चाहता हूँ कि ये अहम बात है कि जहाँ पे हम लोगों तक फ्री दवाया ऐसी चीजें करें जिससे कि कुछ हद तक कंट्रोल हो, लेकिन ये भी पता है कि के हवाले से यहाँ की तहसील को तवज्जो मौका मिला है और इनके पास न सिर्फ ये उनके साथ इंटरेक्शन का सेशन होगा। Thank you.